नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब दिस इज सीरीज़ ऑफ़ द इम्पॉर्टेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है सो so, इस वीडियो में हम बात करेंगे द फर्स्ट टॉपिक इज़ रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज़ फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ यूपी ठीक है ये पता होना चाहिए एंड दिस इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द चित्रकूट ओके एंड जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज़ दी फोर्थ इन द यूपी और इससे पहले वी हैव द दुवा पीली भीत ठीक है तो ये पता होना चाहिए एंड रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज़ दी फिफ्टी फोर्थ टाइगर रिज़र्व इन इंडिया सो बेसिकली इनिशियली इट वॉज रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसको बनाया गया है क्या टाइगर रिज़र्व एंड उससे पहले इन यू पी वी हैव दुदुआ पीली भीत एंड अमन टाइगर रिजर्व अब क्या बन गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि पहले क्या थी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी और ये इंडिया का फिफ्टी फोर्थ टाइगर रिजर्व है ठीक है नेक्स्ट हम बात करें कि व्हाट इज़ द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो फ्लोरा कैसा है इट इज़ दी ट्रॉपिकल ड्राई डेडिस फॉरेस्ट फोना में यहाँ पर टाइगर मिलेगा ठीक है एंड टाइगर इज इन डेंजर्ड तो दिस यू शुड नो लेपर्ड लेपर्ड इज़ दी वनबल स्लोथ पेयर मिलेगा विच इज ऑल्सो वनरेटेबल स्पॉटेड डियर जो कि लीस्ट कंसर्न है सांबर मिलेगा विच इज़ वनबल चिंकारा मिलेगा विच इज़ लीस्ट कंसर्न और बाकी जो अदर रेप्टाइल्स हैं वो मिलेगी ठीक है नेक्स्ट इज जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें खुद के कोई टाइगर्स नहीं है दर इज़ नो टाइगर ऑफ इट्स ओन सो वी कॉट द टाइगर हेयर फ्रॉम दी पन्ना टाइगर रिजर्व जो कहाँ पर है विच इज़ इन दी एम पी रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली क्या है इट इज़ दी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर फॉर द मूवमेंट ऑफ द टाइगर सो फॉर द मूवमेंट ऑफ द टाइगर वी हैव दी रानीपुर टाइगर रिजर्व फिर हम बात करते हैं उसको कौन कौन से टाइगर होते हैं सो so बेसिकली यहाँ पर तीन टाइगर हैं और उसको याद करेंगे हम जे सी बी से द फर्स्ट इज़ दी बेंगाल टाइगर बेंगाल टाइगर इज द इंडेंजर्ड ओके नेक्स्ट इज़ दी बाली टाइगर जावा टाइगर एंड द कैस्पियन टाइगर और ये तीनों जो है स्पेशज हैं टाइगर की इट इज़ एक्सटिंक्ट नेक्स्ट इज दी मलियन एंड दी सुमात्रन टाइगर वो लिटिकली इंडेंजर्ड है ठीक है सो so, टाइगर की बेसिकली तीन स्पेशीज हैं ठीक है पहले है बंगाल टाइगर कि इंडेंजर्ड है नेक्स्ट इज बाली टाइगर जावा टाइगर कैस्पियन टाइगर विच इज एक्सटिंक्ट एंड थर्ड इज दी मलियन टाइगर और सुमात्रन टाइगर विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ दी क्रिटिकली इंडेंजर्ड नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लोथ पेयर के बारे में और पोलर पेयर के बारे में वट इज डिफरेंस बिटवीन दम स्लोथ पेयर फाउंड्स इन दी श्रीलंका नेपाल इंडिया एंड दी भूटान बट पोलर पीयर दे फाउंड इन दी आर्टिक रीजनस ओनली स्लोथ प्लेयर कम्स स्लो पेयर का जो स्टेटस है आई सी एन रेड लिस्ट में इट इज दलबल बट ऑल्सो दी आईसीन स्टेटस ऑफ द पोलर बियर इज़ ऑल्सो वनरेबल तो ये चीज़ पता होनी चाहिए ठीक है फिर बात करते हैं हाउ टाइगर रिजर्व नोटिफाई टाइगर रिजर्व को किसी एक को नोटिफाई कैसे करते हैं तो एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करती है किसको टाइगर रिजर्व एरिया को बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एन टी सी एट इज़ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ठीक है कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले रिकमेंडेशन देता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करती है उस एरिया को एज दी टाइगर रिजर्व ठीक है तो दिस इशू ओके एंड इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि अगर रिकमेंडेशन कौन दे रहा है रिकमेंडेशन इट इज़ दी रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बट अगर किसी एरिया को टाइगर रिजर्व बनाना है तो उसके लिए क्या है स्टेट गवर्नमेंट भी रिकमेंडेशन दे सकती है प्रपोजल दे सकती है एन टी सी ए को दैट इज़ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और भी कोई तरीका है क्या हाँ बिल्कुल है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो एन टी सी ए दैट इज़ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ मिलकर वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकती है कि वो प्रपोज़ल दें किसके लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द टाइगर रिजर्व तो दिस यू शुड नो ठीक है एंड दी टाइगर रिजर्व दीज आर दी मैनेज बाई दी एन टी सी ए तो टाइगर रिज़र्व का जो भी मैनेजमेंट है वो कौन करेगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करेगी एंड कोई भी जो भी अल्ट्रेशन ऑफ द बाउंड्री है यानी कि अगर हम बाउंड्री को चेंज कर रहे हैं सो बाउंड्री के नॉट बी चेंज विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर दी वाइल्ड लाइफ एंड विदाउट द एडवाइस ऑफ द टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ठीक है so, तो यानी कि, कि किसी भी टाइगर रिज़र्व की अगर हमें बाउंड्री का अल्ट्रेशन करना है ठीक है इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द बाउंड्री इफ यू वॉन्ट टू डिक्रीज द बाउंड्री सो दीज ऑल थिंग्स कुड बी डन ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ ओके एंड विद द एडवाइस ऑफ द टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अब बात करते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की एन डी सी ए के बारे में दिस इज अचुटरी बॉडी ठीक है ओके सेचुटरी बॉडी मीन्स इट फॉर्म्ड बाई द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द इनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ठीक है और याद रखिएगा कहीं कहीं पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज को सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट भी कहते हैं बिकॉज अर्लियर इसका नाम यही था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट उसके बाद फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया था और नाम हो गया था मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ठीक है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको स्टैब्लिश किया गया था 2005 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स तो जो टाइगर टास्क फोर्स था उसकी रिकमेंडेशन के बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को फॉर्म किया गया था ठीक है और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है इसको जो कंस्टीट्यूट किया गया है वो रिकमेंडेशन तो थी टाइगर टास्क फोर्स की बट इट वॉज कंस्टीट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइन्टीन सेवेंटी टू एंड वट वॉज द पर्पज ऑफ द क्रिएशन ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टू स्ट्रेंदन द टाइगर कंजर्वेशन ठीक है टाइगर का जो कंजर्वेशन है उसको स्ट्रेंदन करने के लिए हमने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का निर्माण किया नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ सो नेशनल बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ जो है ये अपेक्स बॉडी है ठीक है फॉर ऑल दी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर तो जितने वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स हैं फॉर दैट The National Board for the Wildlife is the apex body, and the National Board for the Wildlife it is constituted in the year of 2003. So this you should know. It is the statutory body, and it is. कंस्टीट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवनटी टू सो जैसे कि हमने देखा अभी दैट uh, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो भी कंस्टीट्यूट हुई थी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी टू इन द सेम मैनर नेशनल बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ इट इज ऑल्सो कंस्टीट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवनटी टू ठीक सो so, दिस नो अपार्ट फ्रॉम दैट द नेशनल बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ इज चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसको चेयर कौन करता है प्राइम मिनिस्टर एंड इट इज़ द एडवाइजरी बोर्ड मीन्स इसकी जो भी एडवाइस है ठीक है तो वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे तो ये क्या है एडवाइजरी बोर्ड ये एडवाइस करती है गवर्नमेंट ऑन द पॉलिसी मैटर रिलेटेड टू द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तो इतना पता होना चाहिए कि जो भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है सो फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नेशनल बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ विल गिव द एडवाइस नेक्स्ट

टाइगर सेंसिस क्या है नॉर्मल टाइगर सेंसेस भी हम लोग करते हैं एंड द टाइगर इज कंडक्टेड बाई दी एन टी सी दैट इज द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी विच इज अचुटरी बॉडी आई टोल्ड यू ठीक इन कोलेब्रेशन विद स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द कंजरवेशन एन जी ओज एंडल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन एवरी फोर ईयर यानी कि जो भी टाइगर सेंसेस है इट इज़ इट इज़ कनेक्टेड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कंजर्वेशन एन और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन एवरी फोर ईयर हर चार साल में हम लोग टाइगर सेंसेस को करते हैं ठीक है नेक्स्ट बात करें सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं वो कहाँ पर हैं सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं वो मध्य प्रदेश में हैं नेक्स्ट कर्नाटक में है फिर थर्ड आता है उत्तराखंड फोर्थ है महाराष्ट्र ठीक है तो ये चीज़ यहाँ से पता होना चाहिए और टॉप टा, टाइगर जो रिज़र्व्स हैं ठीक है जो टाइगर रिजर्व है नंबर के टर्म्स में इट इज दी जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है उसके बाद आता है नागरहोल जो कि कर्नाटक में है फिर बांदीपुर जो कि कर्नाटक में है यहां से ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ अगर बात किया जाए कि टाइगर की पॉपुलेशन में इट इज मैक्सिमम इन दी मध्य प्रदेश नेक्स्ट इज दी कर्नाटका बट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स ठीक है सो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहां पे है इन टर्म्स ऑफ द टॉप टाइगर रिजर्व नंबर इट इज इन द जिम कॉर्बेट दैट इज दी उत्तराखंड ठीक है और छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम में क्या हो रहा है कि एक डिक्लाइन हो रहा है द टाइगर पॉपुलेशन तो ये भी चीज़ पता होना चाहिए ठीक है और बाकी कंट्री में टाइगर की ऑक्यूपेंसी ठीक है कि बिहार पे हमने पांच रीजन्स में इसको डिवाइड किया है तो ये पता होना चाहिए द फर्स्ट इज़ दी इट इज़ दी सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट लैंडस्केप सेकेंड इज़ दी वेस्टर्न घाट एरिया शिवालिक गंगे गंगेटिक लैंडस्केप नॉर्थ ईस्टर्न हिल एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लड लैंडस्केप एंड दी सुदर्नपन एरिया तो ये पाँच एरिया है जिसमें हमने टाइगर की ऑक्यूपेंसी के भी आप इनको डिवाइड किया है कि जहाँ पर टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो हमें मिलती है फिर हम बात करते हैं द फेज द वट इज़ फेजिस देखिए तो तो अगर हमें ये पता करना है कि कहाँ पर टाइगर है कहाँ पर टाइगर नहीं है उसकी पॉपुलेशन के बारे में डेटा इकट्ठा करना है तो ये सारा जो हम लोग काम करेंगे ये कैसे करेंगे इसके लिए हमारे पास कई सारे मेथड हैं द फर्स्ट इज़ दी एम स्ट्रेट ठीक है ये क्या है इसमें हम लोग क्या करते हैं इट इज़ ए मोबाइल एप्लीकेशन ये क्या मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग क्या है कि जो भी जो जो भी कार्निवोरस हैं यानी कि जो भी जो डेटा हम लोग इसको कलेक्ट करते हैं और ये डेटा जो कलेक्ट किया जाता है इट इज़ कलेक्टेड बाई द लाइन स्टाफ ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सो जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो फ्रंट लाइन स्टाफ है ठीक है वो इसको कलेक्ट करता है और ये जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो ट्वेंटी पोटेंशियल टाइगर बियरिंग स्टेट में डेटा कलेक्ट किया जाएगा इन द डिजिटल फॉर्मेट तो ये चीज़ यहाँ से पता होना चाहिए इसके फ्रॉम दिस विल गॉट टू नो दैट द कार्निवोर साइंस ऑफ इंकाउंटर की कहाँ कहाँ कहा, जो कार्निवर्स हैं उसके इनकाउंटरिंग के फीचर्स मिल रहे हैं एंड विल ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट द टाइगर प्रे वेजिटेशन ह्यूमन डिस्टर्बेंस एंड काउंट तो इन सारे मीडियम से वी गॉट टू नो अबाउट दी पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर

जगह की कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ें होंगी तो उससे हम अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पर टाइगर रह रहा है कि नहीं रहना तो और जो भी एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट्स हैं ठीक है तो इन सारी चीज़ चीज़ों से हम क्या करेंगे हम एक अनुमान लगाएंगे और उससे हम टाइगर की पॉपुलेशन की कैलकुलेशन की करेंगे थर्ड फेज इज़ दी कैमरा ट्रैप बेस्ड ऑन द कैप्चर मार्क रिकैप्चर जिसमें हम क्या करेंगे इसमें हम बेस्ट पॉसिबल लोकेशन से मैक्सिमम फोटो को कैप्चर करेंगे ठीक है और हम लोग उन फोटोज़ के माध्यम से पता करेंगे कि जो टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है ठीक नेक्स्ट हम बात करें फिफ्टी थर्ड जिससे आपको भी बताया मैंने फिफ्टी फोर्थ टाइगर रिजर्व इट इज़ द रानीपुर टाइगर रिजर्व विच इज़ इन दी यूपी ठीक है बट अपार्ट फ्रॉम दैट विच वट वट इज़ थर्ड फिफ्टी थर्ड टाइगर रिजर्व उसकी बात किया जाए सो so, फिफ्टी थर्ड टाइगर रिजर्व है उसको अप्रूवल दिया था एन टी सी ए ने इट इज़ इन दी बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ठीक है द नेम ऑफ इट इज़ गुरु घासी दास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी सो बेसिकली गुरु घासी दास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दोनों को मिला के टाइगर रिजर्व बनाया गया था विच इज़ द फिफ्टी थर्ड टाइगर रिज़र्व सो दिस यू शुड नो एंड इट इज़ ऑल्सो द फोर्थ टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ यानी कि जैसे इन यू इट इज़ रानीपुर वाइल्ड लाइफ रानीपुर टाइगर रिजर्व इज द फोर्थ टाइगर रिज़र्व इन द सेम दी फिफ्टी थर्ड टाइगर रिजर्व ऑफ छत्तीसगढ़ इट इज़ ऑल्सो द फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ द छत्तीसगढ़ उसके पहले और कौन कौन से हैं उदांति सीता नदी अचानक मार्ग और इंद्रावती टाइगर रिजर्व तो उदांती सीता नदी अचानक मार्ग और इंद्रावती ये तीन टाइगर रिजर्व्स हैं एंड फिफ्टी थर्ड इज़ दी गुरघासीदास और तमुरपिंगला को मिला के हमने बनाया है इट इज़ दी फिफ्टी थर्ड न वाट इज़ द फिफ्टी सेकेंड टाइगर रिजर्व फिफ्टी सेकेंड टाइगर रिजर्व है इट इज़ दी रामगढ़ विस्तारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है तो रिसेंटली जो रामगढ़ विस्तारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको एक नोट मिल गया बाई दी एन टी सी ए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कि इट विल बिकम द फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ द राजस्थान सो इन द सेम मैनर यूपी का भी फोर्थ था रानीपुर छत्तीसगढ़ का भी रामगढ़ छत्तीसगढ़ का भी गुरखासी दास और तमोर पिंगला को मिला के जो बनाया इट इज़ दी फोर्थ राजस्थान का भी रामगढ़ विस्तारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाकी के तीन कौन कौन से हैं इट इज द रंधम टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकंद्रा हिल टाइगर रिजर्व सरिस्का रंधम बोर कहां पे है इट इज दी सवाई माधोपुर में सरिस्का कहां पर अलवर

ठीक है तो द फुल फॉर्म ऑफ इट इज द मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस ठीक है सो दिस इज अ मोबाइल ऐप एज अ टोल यू ये क्या करेगा इट विल डू द सर्वेलेंस एंड द पेट्रोलिंग ऑफ द टाइगर पॉपुलेटेड एरिया एंड इट इज डेवलप्ड बाय द एन टी सी दैट इज द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ठीक इन टू थाउजेंड टेन सो ये प्रोग्राम जो है ये ऐप को दो हजार दस में डेवलप किया गया था ठीक है एंड इट इज यूज इन दी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन सो दिस एफ एम स्ट्रिप्स जो ऐप है इसका यूज किया जाएगा ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेड क्रिटिकल टाइगर हैबिटेड ठीक है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कोर एरिया ऑफ द टाइगर रिजर्व ओके एंड दे आर आइडेंटिफाइड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवनटी टू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज पे अटेंशन दट द क्रिटिकल टाइगर हैबिटाइट जो है इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवनटी टू और ये क्या करेगा इट इज़ बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एविडेंस एज द एरिया रिक्वायर्ड टू बी कैप्ट एज द इन वायलेट फॉर द पर्पज ऑफ द टाइगर कंजर्वेशन विदाउट एफेक्टिंग द राइट्स ऑफ द शेडूल्ड ट्राइब्स और अदर सच फॉरस्टल यानी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटाइट में हम लोग कुछ एरिया को क्या करेंगे वी विल वी विल ट्राई टू कंजर्व सम एरिया सो दैट कि वहाँ पर जो भी टाइगर है उसकी जो पॉपुलेशन है उसको हम कंजर्व कर सकें एंड uh, जब हम कंजर्व कर रहे होंगे तो वी नीड टू इंश्योर कि जो भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं और अदर फॉरेस्ट रूरल कम्युनिटीज हैं उनके जो फॉरेस्ट राइट्स हैं वो वॉलेट नहीं हों ठीक है नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है क्रिटिकल टाइबर हैबिटेट का इट इज़ डन बाई द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज यानी कि जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है इसका जो भी uh, जो भी डिक्लेशन uh, है इट विल भी डन बाई द स्टेट गवर्नमेंट इन रिकमेंडेशन फॉर दिनमेंडेशन विद द कमेटी स्पेसिफिकली फॉन्ड फॉर दिस पर्पज नेक्स्ट हम बात करते हैं द क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ठीक तो देखिए यहाँ पर है क्या critical tiger habitat now we're talking about the critical wildlife habitat now what is the difference difference is that critical uh, tiger habitat ye bana tha wildlife protection act 1972 ke but critical wildlife habitat this is formed under the basically the forest right act okay the forest right act Central tribes and other forest dwellers recognition of the forest right act 2006 so this is the difference the critical wildlife habitat it forms under

विच is विच is स्पेसिफिकली एंड clearly established ऑन the बेसिस ऑफ the साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तो उसको हम कंसिडर करेंगे कैसे एज ए क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेड ओके एंड कौन इसको नोटिफाई करेगा सो द पावर टू नोटिफाई द क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेड इट इट इज रेस्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको नोटिफाई करने का जो भी अथॉरिटी है इट इज़ अरेस्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और इसके लिए जो प्रोसेस है द स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा इनिशिएट करेगा प्रोसेस फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ द क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और जो ये स्टेट गवर्नमेंट सबमिट करेगा एप्लीकेशन टू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सो यू दिस इशू नो फ्रॉम द हेयर दैट इन केस ऑफ द क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इट इज द नोडल एजेंसी ओके सो दिस शुड नो एंड दस

तो दिस यू शुड ऑलवेज नो कि कोई भी ऐसी चीज एनी थिंग विच इज एसोसिएटेड विद द ट्राइबल पीपल विल ऑलवेज भी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर ओके नेक्स्ट मूविंग द इंटरनेशनल टाइगर फोरम सो बेसिकली इफ यू टॉक द इंटरनेशनल टाइगर फोरम सो अभी तक देर टू इंटरनेशनल टाइगर फोरम ठीक है द मीटिंग ऑफ द टाइगर रेंज कंट्रीज जो हुई थी उसको कहते हैं इंटरनेशनल टाइगर फोम द फर्स्ट हुई थी दो में इन देंट पीटर्सबर्ग विच इन द रशिया सेकेंड जो हुई थी 2022 में हुई थी वो वलाडी वॉस्टॉक में हुई थी विच इज़ ऑल्सो इन दी रशिया ठीक बात करते हैं तो फर्स्ट आ, जो फर्स्ट, फर्स्ट मीटिंग हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में ठीक है सो so, इसको हम लोग बोलते हैं पैरिस डिक्लेरेशन बाय दी नहीं नहीं ये नहीं है ठीक है तो ये दो हो गई हमारी क्या फर्स्ट मीटिंग हुई थी आ, सेंट पीटर्सबर्ग में सेकेंड हुई थी वालाडी वॉस्टॉक में ये दोनों क्या थी टाइगर फोरम थे फिर इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन के बारे में बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है ठीक है तो पहला है आपका रिस डिक्लेरेशन जो कि है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रिगार्डिंग फिर बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ये किसके लिए है कि हमें जो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन क्या बोल रहा है कि जो हमें टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको डबल करना है बाय द एंड ऑफ 2022 सो 2022 तक हमें जो टाइगर की जो पॉपुलेशन उसको क्या करना है डबल करना ये क्या कह रहा है सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ठीक है जो कि पहली डिक्लेरेशन हुई थी इन द ईयर ऑफ 2000 दैन फिर हम बात करते हैं बिशकैक डिक्लेरेशन की बिशकैक डिकेशन क्या बात करता है टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द स्नो लिपर्ड हैबिटेड बाई ट्वेंटी ट्वेंटी सो स्नोलिपर्ड हैबिटेड ट्वेंटी ट्वेंटी को सो स्नोलिपर्ड हैबिटेड को हमें क्या करना है प्रोटेक्ट करना है कंजर्व करना है बाई द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी सो ये बात किया गया है कि इसमें बिशकैक डिक्लेरेशन में दैन बात करते हैं गांधी नगर डिक्लेरेशन ये बात करता है कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ द इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी तो जो भी माइग्रेटरी स्पेशीज हैं उसको कंजर्व करने के लिए हमारे पास क्या है गांधीनगर डिक्लेरेशन द नेक्स्ट इज दी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ये बात करता है ये बेसिकली फोकस करता है हॉल्टिंग दी डिफॉरस्टेशन यानी कि डिफॉरेस्टेशन को रोकने में हमें क्या करना है हेल्प करनी है ठीक है सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन दैक्स्ट इज दी फ्लोरी नो पॉलिस डिक्लेरेशन ठीक so, है दिस इज फॉर दी कॉमर्शियल वेलिंग अगेंस्ट दी कॉमर्शियल वेलिंग सो कॉमर्शियल जो वेलिंग है ठीक है उसको सेलिंग एंड बाइंग तो उसमें हमें उसके अगेंस्ट जो डिक्लेरेशन है इट इज दी फ्लोरी नो पॉलिस डिक्लेरेशन द नेक्स्ट इज दी कोलम्बो डिक्लेरेशन इट इज़ फॉर डिक्रीजिंग दी नाइट्रोजन वेस्ट बाई दी फिफ्टी परसेंट बाई द ईयर ऑफ ट्वेंटी थर्टी सो दो हजार तीस तक हमें जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको डिक्रीज करना है इसके लिए वी हैव दी कोलम्बो डिक्लेरेशन नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल टाइगर फोरम तो फर्स्ट इंटरनेशनल टाइगर फोरम जिससे मैंने बताया सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन इसमें हमने क्या करना है टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है बाय द एंड ऑफ 2022 ठीक है तो ये क्या है सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन है जो कि 2010 में हुई थी ठीक है ये बेसिकली क्या है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड थी सेंट टाइगर्स डिक्लेरेशन सो जो जो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है उसने इम्प्लीमेंट किया था सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन को और इंडिया ने जो ये टारगेट था दो हज़ार बाईस का टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है वी हैव ऑलरेडी अचीवड दिस टारगेट इन द ईयर ऑफ ट्वेंटी एटीन सो हमने जो टाइगर की पॉपुलेशन डबल करने का जो टारगेट है वी हैव ऑलरेडी अचीवड इन द ईयर ऑफ ट्वेंटी एटीन एंड नेपाल वॉज द फर्स्ट कंट्री हुव अचीव्ड दिस टारगेट ऑफ देंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन नेक्स्ट बात करते हैं टी एक्स टू प्रोग्राम सो टी एक्स टू प्रोग्राम क्या है इट इज़ द प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर तो ये पता होना चाहिए इसमें क्या बात कर रहे हैं इसमें भी बात कर रहे हैं वही चीज़ कि हमें टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है जैसा कि एज सेट बाई सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ठीक है सो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010 में जैसे बात किया गया था कि बाई द एंड ऑफ टू हमें टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है सो इट इज़ सेम सेट इन दी एक्स टू प्रोग्राम नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड इंटरनेशनल टाइगर फोरम सो सेकेंड इंटरनेशनल टाइगर फोरम इट वॉज हेल्ड इन दी वर् दी वर्स्ट ऑफ इन टू ठीक है विच इज़ द पार्ट ऑफ रशिया सो इसमें क्या बोल रहा है दी इसमें बोल रहा है कि वही हमें क्या करना है टाइगर का कंजर्वेशन करना है एंड विल वी नीड टू प्रोटेक्ट दी हैबिटेट एंड द प्रिस ऑफ द टाइगर ठीक है तो ये प्रोटेक्ट करना है एंड दिस इंश्योर द इन्फोर्समेंट ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन द टाइगर रिलेटेड क्राइम्स जो भी टाइगर रिलेटेड क्राइम्स हैं उसमें हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है इसके लिए इंशोर कौन कर रहा है दी व्लाडी ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द सेकेंड इंटरनेशनल टाइगर फोरम नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए द थर्टीन टाइगर रेंज कंट्रीज़ सो दे आर थर्टीन टाइगर रेंज कंट्रीज सो तो जहाँ पर टाइगर सबसे ज़्यादा मिलते हैं तो फर्स्ट इज द बांग्लादेश भूटान कम्बोडिया चाइना इंडिया इंडोनेशिया मलेशिया और म्यांमार नेपाल रशिया थाईलैंड एंड द वियतनाम तो ये क्या है ये थर्टीन टाइगर रेंज कंट्री हैं यह पता होना चाहिए नेक्स्ट हम बात करेंगे Uh, the global tiger forum so global tiger forum hai? it is the intergovernmental platform of the tiger range countries So hai global tiger forum it is the international platform of the tiger range country and this platform is formed in the year of 1993 by the recommendation of the international symposium on the tiger conservation so international symposium on the tiger conservation recommended for the formation of the global tiger forum in the year of 1993 okay so next is it meets every day एवरी थ्री थ्री ईयर्स और एवरी डे सॉरी सो बेसिकली क्या है कि जो मीटिंग होगी ग्लोबल टाइगर फोरम की यह हर तीन साल में होगी द हेड क्वार्टर इज इन द न्यू डेली एंड फिर वही बात किया गया है थर्टीन टाइगर रेंज कंट्री के बारे में जिसके मैंने पहले बात किया गया है एंड वॉट द ग्लोबल टाइगर फोरम इंश्योर्स इट इन्वेज द यूटिलाइजेशन ऑफ द कॉपरेटिव पॉलिसीज ठीक है एंड द कामन अप्रोच एंड द टेक्स एक्सपर्टीज एंड दाइंटिफिक मॉडल फॉर प्रोटेक्शन ये कि हमें क्या करना है कॉमन अप्रोच रखनी है टेक्स एक्सपर्टीज रखनी है और साइंटिफिक मॉड्यूल रखना है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द टाइगर नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ टू थाउजेंड एट ये क्या है इट इज़ द ग्लोबल अलायंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटीज़ एंड द कंजर्वेशन साइंटिफिक कम्यूनिटीज ठीक है वो इट विल वर्क टूगेदर टू सेव द वाइल्ड टाइगर फ्रॉम द एक्सटिंक्शन सो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव क्या करेगा इट विल जस्ट सेव द टाइगर फ्रॉम द एक्सटेंशन हमें उसके प्रॉपर इंफॉर्म्ड कोलाबरेटिव प्रोटेक्शन करना है उसका कंजर्वेशन करना है सो फॉर दैट वी हैव द ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव ठीक है सो दिस यू शुड नो नेक्स्ट इन द ईयर ऑफ 2013 द स्कोप वाज़ ब्रॉडन टू इंक्लूड द स्नो लिपिड सो पहले क्या था कि ग्लोबल टाइगर फोरम इनिशियेटिव में वी हैव ओनली दी दी टाइगर कंजर्वेशन बट इन ट्वेंटी थर्टीन वी हैव वाइड इट्स स्कोप एंड वी हैव ब्रॉड एंड इट्स स्कोप एंड वी हैव इंक्लूडेड दी स्नोलैपर्ड् इन इट ओके नेक्स्ट इज बेसिकली ये क्या है बेसिकली इट इज द इनिशिएटिव जो था दिस वॉज द इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी सो वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और उसके बाद सेव टाइगर फंड इंटरनेशनल टाइगर कोलिशन इन सब को मिला के इन इन सब का कोलाब्रेशन से ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव बना हुआ था सो फ्रेंड्स ठीक है ये दिस इज़ दी लास्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें चैनल को टिल देन टेक केयर कर पाए जय हिंद जय भारत